हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहाँ पे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने धारा 341 के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करने की शुरुआत करी है। फिलहाल हम बात करेंगे कि आर्टिकल 341 आखिर है क्या और उससे क्या असर पड़ने वाला है। इस वक्त हमारे साथ हैं सैयद नूरुल्लाह, जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, और आर्टिकल 341 के ऊपर आज जो इस वक्त यहाँ आप देख रहे हैं, एक ब्लैक डे, इनजस्टिस डे के हिसाब से ये हर 10 अगस्त को मनाया जाता रहा है। आर्टिकल 341 क्या है, उससे क्या नुकसान होते हैं एक गरीब तबके के लिए, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है नूरुल्लाह साहब, हमारे चैनल माइनॉरिटी न्यूज़ में आपका। हम ये जानना चाहते हैं जो सीधा एक गरीब तबका हमारे हिंदुस्तान का है, उन लोगों के लिए आर्टिकल 341 किस तरीके से नुकसानदायक है और क्या करना होगा जिससे कि उन लोगों को भी बेहतर रोज़गार, बेहतर शिक्षा और मुस्तकबिल में तरक्की हासिल हो सके। जी, आर्टिकल 341 एक्चुअली ये गरीब तबके के लिए ही है, ना इसका किसी धर्म से ना किसी इसका मज़हब से कोई ताल्लुक है। 341 जो एक्चुअली हम लोग आज करीब 14 स्टेट में, 14 राज्यों में, मुल्क के अलग अलग ज़िले में हम लोग आज इसको अन्यायपूर्ण दिवस के रूप में, आज का दिवस में मना रहे हैं। और ये एक्चुअली जो शुरुआत इसकी हुई थी, ये 1935 में जब ये साइमन कमीशन आए थे, उनके सामने ये बात आई थी कि जो गरीब तबका है यहाँ पे, जो बिरादरी ऐसी है जैसे मोची है, नाई है, धोबी है, ये गरीब तबके में आते थे, इनको कैसे आर्थिक मदद दी जाए, उसके लिए ये रिजर्वेशन जो है शुरुआत 1936 में हुआ था और वो लागू था। उसमें कोई भी बिरादरी थी, जितनी भी बिरादरी है, वो सब बिरादरी उसमें सम्मिलित थी। अब 1936 से लेके 1950 तक ये बाकायदा जो है वेलफेयर इन गरीब तबकों को ये मिल रहा था। 10 अगस्त 1950 को एक संशोधन पारित करवाया, वो नेहरू की कैबिनेट जो सरकार थी उस ज़माने में, उसकी कैबिनेट से पारित संशोधित करवा के और इसको राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए इसको पास पारित करवा के, और इसमें एक लफ्ज़ जो है, एक शब्द जोड़ा कि जो हिंदू बिरादरी होगी उसको ही इसका लाभ मिलेगा। यानी कि जो बाकी लोग हैं अगर वो इसका लाभ लेना चाहते हैं तो वो हिंदू बन जाए। जी, फिर क्या किया इन्होंने, उसके बाद 1956 में दोबारा इन्होंने ये कहा कि जो लोग इसका लाभ अगर चाहते हैं तो वापस हिंदू बन जाए। यानी घर वापसी की बात आज 2 साल पहले अगर शुरू हुई तो ये घर वापसी की अगर शुरुआत कहा जाए तो नेहरू जी ने 1950 में ही शुरू कर दिया था, 1956 में ही शुरुआत कर दिया था। हमारी यही डिमांड है इनसे। उसके बाद इन्होंने सिखों को भी सम्मिलित कर दिया। 1989 में आपके जो मंडल कमीशन की जब शुरुआत हुई तो बौद्ध धर्म को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। सिर्फ ईसाई और मुसलमान आज इससे वंचित है। भाई नाई नाई है, धोबी धोबी है, अब उसको इन्होंने क्या किया कि जो हिंदू है, हाँ उस जो हिंदू है अगर धोबी तो उसको मिलेगा, जो मुसलमान धोबी है उसको नहीं मिलेगा। आप जो है धर्म के नाम पे, आप तो एक बार ये कहते हैं कि धर्म के नाम रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, तो आप धर्म के नाम पे आपने इसको वंचित कैसे कर दिया, तो उसके एकदम खिलाफ है ये चीज़। तो हमारी जो डिमांड है, ये हमारी जो मांग है कि आप जो है जब सबको सम्मिलित कर लिया तो हमें भी शामिल कीजिए, हमको बाहर क्यों कर रखा आपने आज तक, ये हमारी डिमांड है इनसे कि आप इसको सम्मिलित कीजिए। हालांकि इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई अब काफ़ी दिनों से हम लोग लड़ रहे हैं। 2014 में बाकायदा हम लोग 22 दिन का बाकायदा धरना भी रखे थे, उस वक्त यही थी जंतर मंतर पे। तो हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी इसकी लड़ाई लंबी लड़ते रहेंगे 341 के। तो आज के लोगों से क्या कहना चाहते हैं, देश के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? देश के लोगों से हम यही कहते हैं कि जो भी गरीब है, गरीब गरीब है, तो हमें उस गरीब की जो है मदद के लिए आगे आना चाहिए। उसको किसी पॉलिटिकल या कोई इस तरह की राजनीति या कोई धार्मिक भावना से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश या हमारा समाज तरक्की करे तो हमें उन गरीबों के लिए आगे आना पड़ेगा, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि देश के अंदर पूरी तरीके से तैयारी हो गई है। बिल्कुल हमने बिगुल बजा दिया है और हम पूरे देश में धीरे धीरे इसको जो है, इसका आंदोलन को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज 14 स्टेट में कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है।
यूँ कहें कि आर्टिकल 341 पे जिस तरह मुसलमान सोया हुआ है, उसी तरह अभी दिल्ली का मुसलमान सोया हुआ है। शायद जागने में वक्त लगेगा। क्या नाम है सर? मोहम्मद नसीम, मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज पार्टी की तरफ से 341 पे ये एक धरना प्रदर्शन है, और ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लगभग पिछले 13-14 सालों से कंटिन्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करती आ रही है। फिलहाल जैसा कि आर्टिकल 341 है, ये पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन एक तबका है इलिटरेसी जिसके पास है, उसे शायद मुस्लिम तबके के नाम से हम लोग जानते हैं। तो शायद हम ये जानना चाहेंगे और वो लोग भी जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 341 आखिर है क्या। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अभी बहुत से ज़्यादा लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के ज़रिए हर ज़िला लेवल पर, इसीलिए हर विधानसभा लेवल, तहसील लेवल पर इस तरीके का आंदोलन आज के दिन चालू किया जा रहा है। आज क्यों ज़रूरत पड़ी, और आपने एक सवाल किया आर्टिकल 341 है क्या। 1936 में जब साइमन कमीशन भारत आया और उन्होंने एक सर्वे किया कि यहाँ के गरीब तबका जो लोग हैं, जो मजदूरी कर रहा है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक आरक्षण की ज़रूरत है। 1936 में साइमन कमीशन आया, कांग्रेस ने उसका ज़ोरदार विरोध किया कि गो बैक कमीशन, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से स्वागत किया गया, लेकिन उसके बाद भी कमीशन ने जाके अपनी रिपोर्ट आयोग में पेश की, और 1930 से लेकर 33 तक की जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई, उसमें आयोग ने इस चीज़ को माना कि नहीं, भारत में आरक्षण की ज़रूरत है उन बिरादरियों को जो पिछड़े तबके से आते हैं, नीची जात से आते हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। और 1943 में इस आरक्षण नियम को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, और उसमें उन बिरादरियों को आरक्षण दिया गया जो गरीब तबके, जैसे मोची है, धोबी है, जुलहा है, फकीर है, नट है, और बहुत सी बिरादरियां हैं जिनको आरक्षण देने लगे। लेकिन धोखा हुआ कहाँ कि जब मुल्क आज़ाद हुआ, हम जश्न मनाने लगे, एक जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कुछ द्वारा सेलेक्ट किए हुए, सेलेक्टेड प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है किसी अध्यादेश में हस्ताक्षेप करने का। आपका सीधा ये कहना है कि जो जनता ने जिसे इलेक्टेड किया है, वही कानून के अंदर कुछ बदलाव कर सकता है? वही कर सकता है। अगर किसी को जिम्मेदारी दे दी जाए कि आपको इस चीज़ की रखवाली करना है, तो वो उस चीज़ का मालिक नहीं, वो जब तक मालिक न बनाया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1950 को इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा होने का काम किया मुसलमानों के साथ, कि इसमें लफ्ज हिंदू बढ़ा दिया कि इस अनुच्छेद में हिंदू जातियों को आरक्षण मिलेगा। 56 में सिखों ने आंदोलन किया, उनको भी शामिल कर दिया गया। 90 में बीपी सिंह के दौर में बुद्धिस्टों ने आंदोलन किया, उनको भी शामिल कर लिया गया। मुसलमान और ईसाई आज तक है। आज आप ये सरकारें बैठ के कहती हैं कि धर्म के आधार पर मुसलमानों का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो धर्म के आधार पर हमारा आरक्षण छीना क्यों जा रहा है? और हम मुसलमानों के आरक्षण की मांग ही नहीं करते, हम तो उन बिरादरियों के आरक्षण की मांग करते हैं। नट धोबी आज सुरक्षित सीट पर धोबी है, वो चुनाव लड़ेगा, मुसलमान धोबी है तो नहीं चुनाव लड़ेगा। आप जो सरकार से मांग कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग कर रहे हैं? आप हम भारतीय मौजूदा प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं, वो मौजूदा प्रधानमंत्री कांग्रेस के भी होंगे, उनसे मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उनसे भी मांग कर रहे हैं, और इस सिलसिले में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी दिया जाएगा। हमारा काम है आंदोलन करना, हम इस चक्कर में अपने घर पर बैठे रहे। अगर सिखों ने यह सोचा होता कि कांग्रेस सिखों की दंगाई पार्टी है, 84 का दंगा सिखों का कांग्रेस ने जो करवाया था, हम इसलिए अपने आंदोलन को न करें, तो 56 में उनको आरक्षण ना मिलता। अगर बुद्धिस्ट खामोश बैठे होते, तो 90 में बीपी सिंह के दौर में उनको ना मिलता। हम आंदोलन करेंगे, और ये उम्मीद करेंगे, हम अभी क्यों मान ले, हम अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। हम तो अभी जनता को जागरूक करने के लिए आए, देना तो इनको। आपको लगता नहीं है कि जनता को जागरूक करने में देर हो गई है? देखिए, अगर 70 साल निकल गए जागरूकता, देखिए ऐसा नहीं है, 70 साल से भी लोगों ने काम किया, लेकिन ये है कि ये लोग अलग अलग कर रहे थे, एक मास लेवल पे, एक आंदोलन के तरीके से नहीं किया जाता। जैसे होता था 10 अगस्त को एहतजाज होता था, 56 से होता है, एजाज अली साहब करते रहे, वो धरने यहाँ आके 10 तारीख को दे देते। लेकिन आज जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कर रही है, कि पूरे हिंदुस्तान में हर विधानसभा हर जिले पर कर रही है, और यहाँ भी कर रही है। आर्टिकल 341 अगर हट जाता है, तो क्या नुकसान होगा मुस्लिम कम्युनिटी का, माइनॉरिटी की कम्युनिटी? माइनॉरिटी की कम्युनिटी का किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा होगा, क्योंकि आज माइनॉरिटी के तबकों को जिस तरीके से आर्टिकल 341 के तहत सताया जा रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, युवाओं को जॉब नहीं है, आज मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में जितने भी लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी, आप देखिए, रेहड़ी चला रहे, रिक्शा चला रहे, हम अपने हकूक़ को नहीं ले पा रहे। जैसे कि आपने कहा था कि हम अपने हकूकों को लेना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपने कहा कि हम देर आए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इससे मतलब नहीं है कि हम कितनी देर आए। असल वजह यह है कि हम सही आए। जब
हम मुत्तहिद होकर पिछले 12 सालों से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस पर धरना दे रही है, लगातार दे रही है, और आज भी आपके सामने आपने एक चीज़ बोली, इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, अगर जब तक हम अपनी मांग नहीं उठाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा? ये मांगे अलग हैं, हम जो आम जनता है जो इस बिल को नहीं समझती, हम उसके लिए बात कर रहे हैं कि उसे सीधी भाषा में समझाया जाए कि इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। ये टेक्निकल और राजनीतिक चीज़ें हैं जो आम जनता को सीधे तौर से समझ नहीं आती। देखिए, आम जनता को हमने 341 बड़े ही आसानी से समझा दिया है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे जैसे कि हमारे प्रदेश प्रवक्ता नसीम भाई ने बताया कि हम एक तबके की बात नहीं कर रहे, धोबी कास्ट मुस्लिम्स में भी होती है और हिंदूज में भी होती है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में जो काम किया कि इसमें मुस्लिम शामिल नहीं होंगे, अगर शामिल हुए तो उनको हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। एक बात बताइए, हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो सेक्युलर है, या हम दूसरे मज़हब को क्यों अपनाएं, दूसरे मज़हब को क्यों अपनाएं? आप एक बात बताइए, सभी वर्गों का माना जाता है, हिंदू राष्ट्र तो नहीं है हिंदुस्तान में, सभी प्रेम से रहते हैं, सद्भावना से रहते हैं, तो सभी वर्गों के लोगों को बराबर से सम्मान और बराबर से आरक्षण मिलना चाहिए, हमारी ये डिमांड है। हमने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली से लेकर सारी राज्य सरकारों से तहसील लेवल पर, जैसे कि अभी नसीम भाई ने भी बताया, तहसील लेवल पर, ज़िला लेवल पर हमने ज्ञापन भी दिया है और यहाँ पर आपके सामने धरना भी दे रहे हैं कि जो देश के अंदर फिलहाल इस वक्त माइनॉरिटी के तबके की हालत है, जो गुरबत के अंदर जी रहे हैं वो लोग, या यूँ कहें कि तालीम के अंदर सबसे निचले पायदान पे ये कम्युनिटी पहुंच चुकी है, क्या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ये भी बताना चाहेगी कि आर्टिकल 341 के अंदर ऐसे भी कुछ प्रावधान होंगे जिसके अंदर धर्म विशेष या समुदाय विशेष के लिए तालीम एजुकेशन के लिए कुछ बेनिफिट होने वाला? देखिए, ये धर्म विशेष का तो मामला है ही नहीं, ये तो हम एक डिमांड कर रहे हैं, जो एक रिज़र्वेशन दिया जा रहा है, जैसे अभी आतिफ भाई ने कहा धोबी को रिज़र्वेशन दिया जा रहा है, तो धोबी को ये क्यों आँका जा रहा है कि वो हिंदू है या मुसलमान है? धोबी तो धोबी है, वो एक ज़ात बिरादरी को दिया जा रहा है, उसमें तो धर्म का नाम ही नहीं है, तो लेकिन फिर मुसलमान को क्यों नहीं दिया जा रहा, वो भी एक धोबी है? तो यहाँ तो किसी धर्म की बात ही नहीं हो रही, हम तो कह रहे हैं कि सबको शामिल करो। मुसलमानों के अंदर जैसे आपने बताया कि अलग अलग कास्टें हैं, अलग अलग समुदाय हैं, इसके अंदर क्यों नहीं अभी तक यूनिटी बन पा रही है? देखिए, जहाँ इत्तेहाद क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए, ये जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि ये एक पॉलिटिकल मसला है, आम आदमी नहीं समझ पाता। तो आप ये समझ पाते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुसलमानों का अलग अलग तबके में ला के उनका बेनिफिट लेना चाहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक ये मसला घर घर नहीं उठाया गया है, अभी एक आंदोलन स्टार्ट किया है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने, तो हम इसको आगे लेकर जाएंगे, फर्दर इसको हम घर घर लेकर जाएंगे, हर जन हर आवाम तक पहुँचाएंगे, ताकि लोग समझ सकें कि ये मुद्दा है क्या। जब तक ये घर घर नहीं जाएगा, लोगों को जानकारी नहीं होगी, इसकी एक अवेयरनेस नहीं होगी, तो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो एक आंदोलन एक स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम घर घर ले जाएंगे, आगे तैयारी है हमारी। आप भी बेहतर जानते हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक सेकुलर पार्टी है जो सब धर्म को साथ लेकर चलना चाहती है। मुस्लिम लोग कई अपनी पार्टियों के साथ चले, अब से पहले भी चले, उन पार्टियों ने मुस्लिमों को क्या दिया, आज आप ये बताएं। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि इस वक्त हम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की तरफ से बात करें तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक सेकुलर पार्टी है, सब धर्म को साथ लेकर चलना चाहती है, किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले वक्त के अंदर सर्वधर्म यानी कि सबका साथ सबका विकास राष्ट्रीय उलमा काउंसिल धारा 341 को लेकर करने वाली है। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं, सब धर्म के लोग साथ हैं, सिर्फ एक ये आप इस पर एक ब्लेम ना करें एक तरीके से कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, ये सबकी पार्टी है। हम लोग अलीगढ़ से आए हैं, हमारे जो है करीबन गैर मुस्लिम बहुत कार्यकर्ता हैं। देश के लोगों से क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं, आपके आर्टिकल 341 के लिए कैसे जागरूक? हम ये करना चाहते हैं कि आज हमारा ये छोटा आंदोलन है, हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और पूरे हिंदुस्तान से जो मुस्लिम दलितों के साथ जो है अब तक वंचित रखा गया, जो धोखा दिया गया है, जो सारी सेकुलर पार्टी धोखा दे रहा है, जो कांग्रेस ने धोखा दिया, बताइए। आज मायावती रिजर्वेशन की बात करती हैं, हम तो कह रहे हैं हमको जो दिया जा रहा है जिस पर पाबंदी लगाई है, आप उसको हटवाने की मांग कर दीजिए। भाई, ये तो हमको मिल रहा था, पाबंदी को हटवाइए, जो मिल रहा था, जो रोक दिया गया उसको जरा चालू करवा दीजिए, हमें और देने की ज़रूरत नहीं है। जो मुस्लिम दलितों को आरक्षण मिल रहा था जिस पर 1950 दशक तो पाबंदी लगाई है, मायावती उसी पर आप बोल दीजिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, इतने सालों से राज किया है, और मुसलमानों का वोट पाती रही है, और हमको मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती रही है सारी सेकुलर पार्टियां। आप जिम्मेदार हैं। आप क्या मानते हैं जो फिलहाल कांग्रेस ने जो मुस्लिम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, जैसे कि आपके शब्द हैं, क्या उसके बाद में बीजेपी इक्तदार में आ गई, उसके बाद में आप क्या मानते हैं?
भाई हमको ये अच्छे दिन का नारा लेकर आए हैं, इन्होंने कहा था हम सबका साथ सबका विकास का जो है काम करेंगे। हमको उम्मीद है 4 साल हो गई, हो सकता है कि आज हम इनको ज्ञापन देंगे और ये जो है ये सच्चे हैं, अगर ईमानदार हैं और जो है ये हिंदुस्तान के संविधान पर काला कलंक है भाई 341 जो है इसकी अवहेलना की, तो ये अगर सोचें समझें और उसको क्या कहें हटाएं। और मुस्लिम, क्या आप मानते हैं कि एक मुस्लिम विरोधी सरकार आपकी बात को मानेगी? नहीं, नहीं मानेगी तो मनाएंगे हम, ये नहीं आएगा दूसरा जो भी सेंटर गवर्नमेंट रहेगी, हमारा विरोध जारी रहेगा और हर साल हम इस काला दिवस मनाते हैं। आज तो है बहुत बड़ा तूफान उलमा कौंसिल लेके आएगी और इनको मजबूरन हटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी होगी, कोई सी पार्टी हो, किसी की सरकार हो, अगर ये राजी से नहीं मानेंगे। आप देखिए क्या वहाँ जो है महाराष्ट्र में देखिए मराठा आंदोलन है, हमको मजबूर होना पड़ेगा किसी दिन। मराठा आंदोलन के अंदर सुबह 6 बजे लाखों की तादाद में लोग उतर आए, फिलहाल दिल्ली के अंदर 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे कम से कम 200 लोग देख रहा हूँ। देखिए सारे जो है एतराब से लोग आ रहे हैं और हम जो है, क्या आप मानते हैं इत्तेहाद, एकता, यूनिटी और टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें मेहनत भी कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जिन लोगों को वंचित रखा गया है, जो हमारे साथ मुसलमानों के साथ जो गद्दारियाँ हुई हैं, जितनी सेकुलर पार्टियों ने गद्दारियाँ की हैं, बेवकूफ़ उनको हम जागरूक कर रहे हैं मुसलमानों कि अब तुम पहचानो और अपनी एक कयादत और अपना एक लीडरशिप मजबूत करो, जिससे कि मसाइल को हल हम अपना करा सकें। और वही काम मानते हैं कि शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। यस, मैं मानता हूँ शिक्षा की आज देश के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था इलेक्शन से पहले, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, आज बताइए आप देश के अंदर विकास कहाँ है? आज हमारे साथ, हम मुस्लिमों के साथ जितनी नाइंसाफियाँ हो रही हैं, आज गैंग रेप हो रहे हैं मुस्लिमों के साथ, हिंदू बहनों के साथ भी हो रहे हैं, गो हत्या के नाम पर हत्याएँ हो रही हैं, तो ये सब क्या है? ये कहाँ का विकास है आप बताइए मुझे। मैं विकास तो बहुत दूर है, संविधान सबसे पहले लागू जी। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ, ये बताइए कहाँ का साथ, सबका साथ कहाँ का विकास है? आप क्या मानते हैं इस मामले? इस मामले में देखिए, जो इंडिया के फिलहाल में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ लेके चलने की जो वे बात करते हैं, आज तक अभी 4 साल से ज़्यादा होने वाले हैं पार्टी को, अभी तक किसी को देखे तो ये जो हिंदू में ही जो तबके होते हैं उन्हीं को साथ लेके चलने का काम तक नहीं किया है उन्होंने। आपको मालूम भी होगा अभी महाराष्ट्र में SC ST के साथ क्या हुआ था वहाँ पर। तो ये सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के लायक भी नहीं है, ये विरोधी है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो इसकी तैयारी कर रही है, वो उसका फ्यूचर कहाँ देखते हैं, मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं? देखिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का जो फ्यूचर है वो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जो है चमकने वाला है, और इस फ्यूचर के साथ में हम इस फ्यूचर को नहीं देख पाए तो, लेकिन हमारी आने वाली जो नस्ल नसाब होगी वो इस फ्यूचर को ज़रूर देखेगी इंशाल्लाह। ये हमारा जो है फ्यूचर आने वाला, ये फ्यूचर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसी ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार ली, लेकिन आने वाली जो हमारी नस्ल है वो इंशाल्लाह जो है इस गुरबत की ज़िंदगी को नहीं जिएगी। दिल्ली के राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रेसिडेंट हमारे साथ थे, जिनका सीधा सा कहना है आर्टिकल 341 का मतलब क्या है। हम आपको और सीधे अल्फाजों में आर्टिकल 341 का मतलब समझाते हैं। क्या अगर आप धोबी हैं और अगर हिंदू धर्म से धोबी हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, और अगर आप धोबी हैं मुस्लिम धर्म से तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप सलून चलाते हैं यानी कि नाई हैं, और अगर आप हिंदू हैं तो आपको सुविधाएं मिलेंगी, और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो ये सीधा सा आर्टिकल 341 है, जिसके लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर रही है, और उम्मीद कर रही है कि आने वाले भविष्य के अंदर इस बिल को ख़त्म करवा के रहेंगे और सभी लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को एक हिसाब से, एक नज़र से, सबका साथ सबके विकास के हिसाब से, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे किए हैं उस हिसाब से लागू करेंगे। कैमरा पर्सन आदिल खान के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली जंतर मंतर से।